Hello, my dear students. So today we will start our new chapter, chapter number 8, electromagnetic waves, जिसको प्यार से और शॉर्ट से बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं EM waves. ठीक है. So देखो यहाँ पे plus point क्या है कि एक तो chapter बहुत छोटा है, गिन चुन के 5 या 6 न्यूमेरिक फॉर्मूला है. ठीक है. अब इसमें इंट्रोडक्शन के बाद पहली थी रे डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे सिलेबस में से निकल गया है, तो एग्जांपल 8.1 भी निकल गया है. सीधा हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 8.3, और उसमें भी डायरेक्टली है 8.3.2 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. So, यहां पे बस दो ही थियोरीज हैं जो हमारे सिलेबस में है. पहली है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. अब ये थियोरी तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर. उसके बाद जितने भी एग्जांपल्स है 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, वो सारे सिलेबस में है. और फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, चैप्टर खत्म. तो मतलब कि यहाँ पे गिन के दो ही थियोरी, एक ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरी थियोरी स्पेक्ट्रम. ये थियोरी में से सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे. ठीक है. चलो, अब हमारी टेक्स्ट बुक में ये थियोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में दिया हुआ है. मैं ये थियोरी को पॉइंट टू पॉइंट इसको अलग अलग करके देता हूँ. ठीक है, पे अटेंशन. तो पहले ये समझो कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब ईएम वेव्स. ईएम वेव्स को हम बोलेंगे लाइट वेव्स. लाइट वेव्स आर नथिंग बट दैट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं. मतलब लाइट एक ऐसे वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों साथ में है ना. चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसे वेव्स है कि दैट नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ मीडियम टू प्रोपोगेट. एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ. मतलब कि ये मान लो कि ये सन है, ठीक है, और बहुत दूर है हमारा अर्थ. अब सन और अर्थ के बीच में ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे फ्री स्पेस. यहां पे क्या है, फ्री स्पेस. ठीक है. तो सन में से दो चीजें निकलती है. एक सन में से निकलता है लाइट, ठीक है. लाइट वेव्स मतलब इसमें से पहला निकलता है लाइट वेव्स. लाइट वेव्स बाय नेचर ट्रांसवर्स वेव होते हैं. क्या होते हैं, ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या, ऐसे वेव जो मान लो कि लाइट वेव को एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करना है, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. तो लाइट वेव ऐसे वेव जो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर अप डाउन ऑसिलेशन करे, इस टाइप के वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. ठीक है. तो सन में से एक निकलती है लाइट वेव, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, और दूसरा सन में से आता है साउंड वेव्स. जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. ये वेव देखो कोई भी टाइप का वेव हो, ऑसिलेट तो करेगा. मान लो उसको एक्स डायरेक्शन में आगे जाना है, तो वो ऑसिलेशंस कैसे करेगा, ऐसे. मीन्स इट विल ऑसिलेट अलोंग इन द डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. जो डिरेक्शन में उसको प्रोपोगेशन करना है ना, वही डिरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट करता हुआ आगे जाएगा. कौन, साउंड वेव. ठीक है. तो इसमें से लाइट के साथ साथ साउंड भी आएगा, ठीक है. बट हमारे तक क्या पहुंचती है, हमारे तक सिर्फ पहुंचती है लाइट.
वेव, ये जो साउंड वेव है वो हमारे तक नहीं आते, क्यों? क्योंकि बीच में फ्री स्पेस है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला लाइट वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलो, लाइट वेव्स डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम टू प्रोपोगेट, है ना? लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी टाइप का मीडियम नहीं चाहिए अगर उसको प्रोपोगेट करना है तो। हाँ, बट साउंड वेव नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड वेव को भी मीडियम चाहिए अगर उसको प्रोपोगेट करना है तो। यहां पे मीडियम नहीं था, साउंड वेव नहीं आ पाया, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो जिसके लिए कोई भी टाइप का मीडियम नहीं चाहिए, नो मीडियम रिक्वायर्ड, उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। उसको क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स। और जिसको मीडियम रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये बस मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। अब सिंपल सी चीज बताई कि भाई लाइट वेव क्या है, तो भाई वो ट्रांसवर्स वेव है। भाई ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ऐसे वेव जो उसकी डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करे, ठीक है? फिर हमने क्या देखा कि लाइट है वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है। जो बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकता है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स है। लाइट वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। बाय नेचर वो नॉन मैकेनिकल है, मतलब नो मीडियम रिक्वायर्ड, और बाय नेचर वो ट्रांसवर्स भी है, मतलब परपेंडिकुलर ऑसिलेशन। अब एग्जैक्टली लाइट वेव्स कैसे हैं वो हम एक डायग्राम से देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। चलो मान लो हम एक ऐसे लाइट वेव को पढ़ रहे हैं जो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। ये है हमारा एक्स, ये उसके परपेंडिकुलर है वाई, ठीक है? और यहां पे होगा जेड। देखो वाई जो है वो पेज में से बाहर आ रहा है, ये वाई है, ये है हमारा एक्स और ये है जेड। Z क्या है हमारा? डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, अब देखो लाइट ड्रॉ कर रहे हैं हम। लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों वहां पे होने चाहिए। अब अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो पहले ये जो शेप है इसको अच्छे समझो, आपको ऐसे करना है, ठीक है? ये क्या है? तो ये मैंने तीन एक्सिस ड्रॉ की है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि ये हमारा जेड है, कि भाई डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो थंब बाहर आ रहा है वो हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है? इन शॉर्ट तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो इलेक्ट्रिक ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा और मैग्नेट जो है वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि लाइट वेव जो होते हैं वो होते हैं ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स वो वेव वो होते हैं जो प्रोपोगेशन का डिरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करे। अब ये मान लो कि प्रोपोगेशन का डिरेक्शन है तो उसका परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है या पेज के अंदर बाहर ऐसे भी हो सकता है। तो एक अगर इलेक्ट्रिक ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक ऐसे जा रहा होगा। इन शॉर्ट तीनों के तीन चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज। भी कौन सी तीन चीज? एक डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक
ठीक है। तो अभी मैं यहां पे ये ड्रॉ कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं। दीज वेव्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स डिरेक्शन, क्योंकि एक्स डिरेक्शन ऊपर नीचे है ना, तो एक्स डिरेक्शन पे ये लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये लोग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कहां होंगे? जेड के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे है, प्रोपोगेशन जेड पे हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब वो वाई पे होगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये है, ऐसे, ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे है, मतलब ये लोग पेज के अंदर बार अंदर बार अंदर बार ऐसे जा रहे हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ये क्या हो गया मेरे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ठीक है, सो ऐसे ही वो लोग प्रोपोगेट करते करते जाते हैं। अब ये वेव को अगर हमें डिफाइन करना है, पेज पे दिखाना है, तो क्या हर बार हम ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे? नहीं, ऐसे तो पागल हो जाएंगे। तो ये वेव को हम एक सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे। जैसे कि मान लो कि हमारा वेव जो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, कोई अगर ऐसा बोले कि भाई इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव है ये ब्लू कलर का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव का इक्वेशन क्या होगा? तो वो इक्वेशन होगा एक तो ई एक्स। भाई क्यों ई एक्स लिखा हमने? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस पे है। चलो फॉर्मूला क्या बनाएगा, ई जीरो मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये बीच बीच में जो है वो, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, वैसे हम ये सब 11 में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, ये देखो पूरा वेव कैसे पढ़ के बताता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिरेक्शन में है, के जेड, के जेड मतलब क्या, के जेड की वैल्यू प्लस है, प्लस के जेड मतलब वेव इज प्रोपोगेटिंग इन प्लस जेड डिरेक्शन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है, पूरा वेव प्लस जेड एक्सिस पे जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या बनेगा? भाई मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे सिंपली बनेगा बी वाई इज इक्वल टू बी जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। सिंपली कि भी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है, पूरा वेव जेड एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है ना, यहां पर भी प्लस के जेड है, मतलब वेव प्लस जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अगर यहां पे माइनस के जेड होता तो वेव जो है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा वेव का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स को हम ऐसे बताएंगे। चलो यहां पे के को क्या बोलेंगे? यहां पे के होगा 2 पाई बाय लैम्डा, और ये के को बोलते हैं वेव वेक्टर। के को क्या बोलते हैं? वेव वेक्टर। ठीक है, के की फॉर्मूला होती है के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा।
फिर एक और फॉर्मूला आता है C इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ वेव। भाई ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, ये थियोरी में फॉर्मूलाज ही फॉर्मूला है, नो डाउट। थियोरी पोर्शन बुक में दिया हुआ है, वो आप पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट मैथमेटिकल कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव को कैसे लिखना है ये आपको आना चाहिए, के क्या है वो पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ वेव क्या है वो पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी। ये हमारी फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी थी। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब डिवाइड करोगे ना, तो ऑलवेज आपको मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट। हमारा अभी जो लाइट है वो एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें सी, और ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है QVB, और चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है QE। जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो तो दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम होता है, ये क्यू क्यू कैंसिल। अब बी को ले जाओ नीचे तो वी इज इक्वल टू ई बाय बी, यही है वो फॉर्मूला चैप्टर 5-4 में हमने देखा था। ये फॉर्मूला वहां पे जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पे फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रहा है या एयर में ट्रैवल कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे सी। फॉर्मूला मोस्ट आईएमपी याद रखना है, जितने भी फॉर्मूलाज मैं बॉक्स बना रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूलाज मैं आईएमपी बता रहा हूँ, वो सच में आईएमपी है, क्योंकि इसमें से मेजोरिटी आते हैं तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। नो डाउट ये चैप्टर का वेटेज बहुत कम है, पर कम है फिर भी जो भी आता है वो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, ठीक है। चलो यहां पे एक और चीज याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EM वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेल्फ सस्टेनिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेल्फ सस्टेनिंग वेव्स, और दे आर डूइंग सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस। भाई ये क्या होता है सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन, मतलब तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमने ये वेव के लिए क्या पढ़ा था अभी, कि भाई दिस टाइप ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम टू प्रोपोगेट, इसको अगर आगे बढ़ना है तो किसी की हेल्प नहीं चाहिए, कोई मीडियम नहीं होगा तो भी चलेगा। ऐसा तो कैसे पॉसिबल है, हमें भी चलने के लिए कुछ तो चाहिए ना, सरफेस होगा तो चल पाओगे, सरफेस ही नहीं होगा तो कैसे चलोगे। तो ये मीडियम जो है वो इन लोगों के लिए सरफेस है, वो मीडियम के सहारे ही चलते हैं, है ना। मतलब ये क्या करते हैं कि जैसे कि रोप है, ठीक है, तो रोप को सर ऐसे जर्क देते हैं तो रोप में एक ऐसा वेव बनता है और ये वेव आगे बढ़ता है, तो ये वेव किसको ऑसिलेट करवाता है, तो भाई यहाँ पे मीडियम क्या है, रोप के पार्टिकल्स, रोप के पार्टिकल्स को वो ऊपर नीचे करके खुद वेव बनता है। अब यहाँ पे तो मीडियम है नहीं, भाई किसको ऊपर नीचे करेगा, किसके सहारे चलेगा, ये वेव तो रोप के सहारे चल रहा है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेक फील्ड जो है वो मैग्नेट का सपोर्ट लेगा चलने के लिए, और मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक का सपोर्ट लेगा चलने के लिए, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ वेव्स आर, और दिस काइंड ऑफ ऑसिलेशंस आर नोन एज सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि एक फॉर्मूला है, इफ वेव इज प्रोपोगेटिंग, वेव मतलब यहां पे कौन सा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही बात कर रहे हैं। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एनी डिरेक्शन, इन एनी मीडियम, सॉरी,
अगर वो कोई भी एक मीडियम में है अदर देन एयर, एनी मीडियम मतलब अदर देन एयर, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां पे म्यू क्या है? परमीएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। दैट मीडियम मतलब कौन सा मीडियम? जो मीडियम में वो प्रोपोगेट कर रहा है, वो वाला मीडियम। यहां पे म्यू की वैल्यू क्या होती है? हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि म्यू होता है म्यू आर होता है म्यू बाय म्यू जीरो। ये है रिलेटिव परमीएबिलिटी, है ना, ये याद रखना है। वैसे ही एप्सिलॉन आर को भी क्या बोल सकते हैं? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो। यह है रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमीएबिलिटी, है ना। चलो, तो अगर इसमें से मैं म्यू को सब्जेक्ट बनाऊं तो म्यू क्या हो जाएगा भाई? म्यू आर म्यू जीरो। और इसमें से मैं एप्सिलॉन को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो, है ना। अब ये म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू मैं अगर ये फॉर्मूला में डालूंगा तो वी हो जाएगा वी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू की जगह क्या हो जाएगा? म्यू आर म्यू जीरो, और एप्सिलॉन की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो। तो अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करें तो 1 बाय, देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इंटू 1 बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहां पे हमने मीडियम को अज्यूम किया है। अगर मैं ये बोलूं कि इफ वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एयर, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एयर, अगर एयर में ट्रेवल करता तो ये इक्वेशन क्या हो जाता? यहां पे एयर की परमिएबिलिटी आ जाती म्यू जीरो, यहां पे एप्सिलॉन जीरो आ जाती एयर की परमिटिविटी, तो यहां पे एयर में स्पीड आ जाती लाइट की जो कि सी होती है। मतलब कि ये जो टर्म है, ये टर्म हमारा हो गया सी। सो वी इज इक्वल टू सी इंटू और सी डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, चलो, तो यहां पे अगर मैं ये फॉर्मूला को ऐसे लिखूं, वी नीचे और ये ऊपर, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, तो क्या हो जाएगा? सी अपॉन वी। ये c अपॉन v क्या है? तो पार्ट टू में हम पढ़ेंगे कि भाई c बाय v जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, है ना। स्टैंडर्ड 10 में हम पढ़ चुके थे जिसको बोलते हैं n, तो ये फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी, म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, बट हमारी टेक्स्ट बुक में यहां नहीं दिया है, ये पार्ट टू में दिया है। अब भी याद रखना तो रखो, नहीं रखना तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट लिख लेना नोटबुक में, ये कॉपी कर लेना क्योंकि पार्ट टू में इसका यूज होगा। आपको क्या याद रखना है? एक ये आईएमपी, ठीक है, कि भाई वेव जब मीडियम में ट्रैवल करता है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, वेव जब फ्री स्पेस में ट्रैवल करेगा तब ये फॉर्मूला यूज होगा, और ये म्यू आर एप्सिलॉन आर की वैल्यू तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो, तो इतने फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। आपकी बुक में ये सब दिया हुआ है, पर कैसे दिया है पता है? वर्ड्स में लिखा हुआ ज्यादा है और एक्सप्रेस बहुत कम किया है। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये आपके ई एक्स और बी वाई के इक्वेशंस, ये के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्ब्डा जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो, और यहाँ पे देखो मैंने स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन बताया था ना कि सी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के होता है,
तो ये आ गया हमारा ओमेगा बाय के वाला फॉर्मूला, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, है ना, वेव की स्पीड। फिर हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये सी इज इक्वल टू 1/μ₀ एप्सिलॉन जीरो, अभी हमने देखा था ये वाला सी इज इक्वल टू 1/√μ₀ एप्सिलॉन जीरो, वो ये है। ठीक है, आगे का हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलो ये यहाँ पे दिया है कि अगर मीडियम में है तो v इज इक्वल टू 1/√μ₀, है ना, ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो सब कुछ बुक के अंदर दिया हुआ ही है, बस आपको इसमें थोड़ा ये सब ज्यादा दिया हुआ है। इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे अंडरलाइन करके मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पर देना, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर हैविंग एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी है, तो वो एनर्जी का करते क्या है, जैसे जैसे वेव ट्रैवल करेगा ना, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएगा। जैसे जैसे वेव ट्रैवल करता है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएगा, है ना। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर माइग्रेटिंग एनर्जीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में वो क्या करते हैं, एनर्जी को माइग्रेट करते हैं। हमारी लाइफ इसीलिए चलती है, सन में, सन के पास एनर्जी है, हम सब वही एनर्जी को यूज कर रहे हैं अभी। तो वेव्स जो लाइट के साथ साथ सन की एनर्जी को भी ले आते हैं, तभी तो हमें, हमारी लाइफ यहाँ पे सक्सेसफुल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि वेन एवर अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इंसिडेंटिंग ऑन अ सरफेस, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, लाइट, लाइट जब भी किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट करती है। हाँ आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा बट ये बात सही है कि अगर मैं पेपर पे टॉर्च मारूंगा ना ऐसे, तो टॉर्च की वजह से लाइट इस पे आएगी, वो लाइट ये पेपर पे प्रेशर जनरेट करती है। दिस टाइप ऑफ प्रेशर इज नोन एज अ रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, अब ये रेडिएशन प्रेशर क्या काम करता है, ये रेडिएशन प्रेशर, दिस प्रेशर गिव्स मोमेंटम, गिव्स मोमेंटम टू सरफेस, वो ये सरफेस को मोमेंटम देगा, है ना। लाइट डालने से इस पे प्रेशर बनता है और प्रेशर की वजह से ये सरफेस को मोमेंटम मिलता है। कितना मिलता है चलो देखते हैं। सपोज इन डेल्टा टी टाइम, सपोज इन डेल्टा टी टाइम द एनर्जी इंसिडेटिंग टू सरफेस ऑफ वैल्यू डेल्टा यू, सपोज इन डेल्टा टी टाइम द एनर्जी इंसिडेटिंग टू सरफेस ऑफ वैल्यू डेल्टा यू। डेल्टा टी टाइम में हमारे सरफेस में इतनी एनर्जी आती है इंसिडेटिंग ऑन एरिया ए, इंसिडेटिंग टू सरफेस ऑन एरिया ए ऑफ वैल्यू डेल्टा यू। मान लो कि ये सरफेस का एरिया ए है, अगर ए एरिया में डेल्टा टी टाइम में डेल्टा यू जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, देन देन
मोमेंटम गेन्ड बाय सरफेस इज गिवन बाय, तो ये केस में हमारे ये सरफेस को कितना मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि बोला ना कि रेडिएशन आएंगे तो मोमेंटम देगा, तो वो मोमेंटम का फॉर्मूला है डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय सी। ठीक है, ये कब करेंगे, इफ लाइट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय सरफेस, अगर लाइट पूरी की पूरी एब्जॉर्ब होती है तो, और डेल्टा पी इज इक्वल टू टू डेल्टा यू बाय सी इफ लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग बाय सरफेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है कि लाइट देने से, किसी भी सरफेस पे लाइट देने से उसको कितना मोमेंटम मिलता है, इतना मोमेंटम मिलता है डेल्टा यू। क्या है हमारी डेल्टा यू, जो है वो हमारा एनर्जी है। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, लेकिन थियरी अभी बाकी है ना। तो मैंने जो पढ़ा है अभी वो कहाँ है, तो वो सामने वाले पेज नंबर 277 पे यहाँ है कि भाई फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय सी, ये रहा कंप्लीटली एब्जॉर्ब सरफेस के लिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे नहीं दिया है, ये मैंने एक्स्ट्रा करवाया है। ठीक है, चलो फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है, यहाँ तक अच्छे से पढ़ो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स।